और लंच के बाद जो मेरा शाम का मील होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि वेरी न्यू है, मेरा इन्वेंशन है। मैं काफ़ी सारे डिशेस रेसिपीज देखती रहती हूँ, उनमें से मैंने कुछ अपना इनोवेशन करके मैंने कुछ नया बनाया है, तो चलिए हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आई एम श्योर यू विल लव द रेसिपी। तो चलिए भगवान जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सबसे पहले तो मैं डालने वाली हूँ लेट्यूस। ये धुले हुए लेट्यूस है जिसको मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया था धो के, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था, इसके बाद मैं इसमें से थोड़े से ऑनियन डालने वाली हूँ, टोमेटो, थोड़े से क्यूकम्बर। ये है गार्लिक, जुकीनी एंड स्पिनिच के साथ इसको मैंने सिर्फ रोस्ट किया था, मैंने इसमें थोड़ा सा भी ऑयल नहीं डाला था, मैंने इसको पैन में रख के सिर्फ रोस्ट कर लिए थे। ये है पार्सले, बिल्कुल भी कोई सॉस या कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बॉईल करके या तो रोस्ट करके खाती हूँ विदाउट ऑयल विदाउट सॉसेस। 1 स्पून रोस्टेड चने। ये है बाजरा चिप्स, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है, ये भी रोस्टेड ही है, इसमें थोड़े से और नमकीन। टोमेटो, लॉट्स ऑफ क्यूकम्बर, ये कितना कलरफुल लगता है देखने में। इसमें थोड़ी सी चॉप्ड धनिया डालूंगी, ये देखने में भी बहुत ही कलरफुल डिलीशियस। इसमें मैंने जब रोस्ट किए थे जुकिनी और स्पिनिच को गार्लिक के साथ, तभी मैंने थोड़े से सॉल्ट ऐड किए थे, तो अभी मैं और सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा लेमन जूस डाल देती हूँ। ये लेमन जूस खूब सारा, ढेर सारा। डिलीशियस लंच। एक चीज जो मैं भूल गई थी इसमें डालना वो है पेपर। पेपर को मैंने ग्राइंड करके, इसमें मोर पेपर एंड लेस सॉल्ट खाना चाहिए। दोस्तों ये सेकंड मील है जिसमें मैं एग एंड पोटैटो को बॉईल कर रही हूँ। दोस्तों ये है रवा, हम बनाने जा रहे हैं रवा के पैनकेक विथ एग एंड पोटैटो स्टफ्ड, इसे सूजी भी बोलते हैं, इसे रवा, सूजी और इंग्लिश में जो इटालियन वर्ड है वो है सिमोलिना। कुछ नया न्यू रेसिपी है, देखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये दही, ये है क्लासिक दही, ये सिंपल सादा दही है। अब हम सूजी को थोड़ा दही के साथ मिक्स कर लेंगे, पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें एग व्हाइट डाल देंगे, ये रहा एग व्हाइट। इसमें हमने अभी एग व्हाइट डाल दिया है, सॉल्ट इसमें थोड़े से और सॉल्ट डाल दें, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं। पोटैटो और एग्स को मैंने बॉईल किए थे, उसको हम स्मैश करेंगे। नमक, ये क्रश पेपर हमने इसमें डाल दिया, कोई भी मसाला बना के डाल सकते हो, आप कोई भी मसाला, आप कोई भी चाट मसाला उसमें डाल सकते हो। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से
रेड चिली पाउडर। आप किसी भी तरह के ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल एंड बटर ऑल्सो। आप न्यूट्रीलाइट भी यूज कर सकते हो, अधिकतर ऑलिव ऑयल ही यूज करती हूँ। अब ऑयल हीट हो गया है तो हम इसमें डाल देंगे बना के फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। इसमें हम डाल देंगे स्मैश्ड एग्स एंड पोटैटो। ये मैंने डाल दिए, ये हमारा रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा चटनी डाल देंगे। दोस्तों इसको आप टोमेटो सॉस डाल के भी खा सकते हो। ये इतना टेस्टी है, इवनिंग मील के हिसाब से भी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। पिछली बार से इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था ना उसमें मैंने चटनी नहीं डाला था, वो धनिया और पुदीने की, और आज ये चटनी डालने की वजह से ये मतलब इसका टेस्ट अमेजिंग लग रहा है। ये है सिमोलिंग पैनकेक्स विद स्टफ्ड एग्स एंड पोटैटो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप एग को एक्सक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज वेज में भी आप इसमें कुछ भी मतलब स्टफिंग आप बना के, कुछ भी स्टफिंग बना के आप इसमें डाल सकते हो। आप लोग ज़रूर बनाइए और खाइए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है यार। आज मुझे डिनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैं अभी ये खाने के बाद मैं कॉफ़ी पीऊँगी एंड देन मैं फिर वॉक के लिए चली जाऊँगी। बट इसके बाद मुझे कुछ खाना नहीं है, कोई डिनर नहीं करना है। तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए, हेल्दी फूड खाइए। Please subscribe to my YouTube channel, Hummingbird Vlog.